हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मदर वीडियो। जैसा कि मैं सारा ब्रांच को कवर कर रहा हूं, आज की वीडियो में कवर करने वाला हूं AIML ब्रांच को। इससे पहले मैंने कोर CSE को कवर किया हूं और डेटा साइंस को कवर किया हूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस दोनों ब्रांच को देख लेना जो वीडियो बनाया हूं, उसके बाद ही तुम AIML को देखना, तभी एक आइडिया मिलेगा AIML में और कोर CSE में कितने परसेंट सिलेबस का डिफरेंस है, किस किस चैप्टर का डिफरेंस है। लाइक AIML ठीक है, और डेटा साइंस इसमें से कौन सा बेस्ड है, कैसे AIML डेटा साइंस को टेक ओवर कर सकता है, कितना परसेंट सिलेबस सेम है तुम्हारा, उसकी रिगार्डिंग आइडिया मिलेगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दो वीडियो बनाया हूँ ठीक है, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसे देख लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखने का बेनिफिट होगा। आज की वीडियो का एजेंडा क्या है ना, सबसे पहले पता चलेगा वाई AIML। मैं गारंटी देता हूँ वीडियो को एंड तक देखोगे उसके तुम खुद डिसाइड कर लोगे AIML लेना है या फिर नहीं लेना है, और AIML लेना है तो क्यों लेना है इसके पीछे का एक रीजन पता चल जाएगा। उसे कंप्लीट सिलेबस, मैं कंप्लीट सिलेबस दिखाऊंगा, लाइक फर्स्ट ईयर से लेकर के तुम्हारा फोर्थ ईयर तक सिलेबस में क्या डिफरेंस है, देख लोगे ना, बोल सकते हो सिलेबस से थोड़ा ही डिफरेंस हो सकता है। 95% सिलेबस सेम रहता है तुम्हारा, मणिपाल किसी कैंपस को ले लो, VIT का कैंपस को ले लो, या तुम किसी प्राइवेट कॉलेज का, इवन IIT NIT का तुम सिलेबस देख लोगे ना, लगभग 95% सेम रहेगा। और होता क्या ना, लाइक यहाँ पे जो फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया गया है ठीक है, सेम चीज को यहाँ पे फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, बट सिलेबस तुम्हारा सेम रहेगा ठीक है। उसके बाद बताऊंगा मैं तुम्हारा एडवांटेज क्या है, AIML का क्या एडवांटेज है तुम्हारा और क्या डिसएडवांटेज है। देखो ऐसा मुझे डिसएडवांटेज नहीं मिला, बट मैं 6 से 7 डिसएडवांटेज लिया हूं, तुम इसे कंसीडर कर सकते हो अगर तुम AIML को ले रहे हो तो। उसके बाद क्या है, फिफ्थ पॉइंट क्या है तुम्हारा, कंपनी विजिटेड फॉर कैंपस। इस वीडियो में ये बता दूंगा AIML के लिए कौन कौन सी कंपनी आ रही है जिस पर तुम फोकस कर सकते हो, उसके फ्यूचर स्कोप इसका क्या होगा, इसके रिगार्डिंग बता दूंगा। अगर किसी बच्चे को AIML ब्रांच में बेटर प्लेसमेंट चाहिए वो क्या कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग बता दूंगा। क्या CSE वाले में बैठ पाएंगे AIML वाले, क्या IT वाले में बैठ पाएंगे, CCE वाले में बैठ पाएंगे, इसके रिगार्डिंग बता दूंगा। इसके बाद अगर तुम लोगों का डिमांड रहा तो मैं ट्राई करूंगा CCE का, IT का, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग का, साइबर सिक्योरिटी का, तुम लोगों का जो कमेंट रहेगा मैं ट्राई करूंगा उस ब्रांच को कवर कर देने का। और तुम लोगों को चाहिए होगा मैकेनिकल का, मैकेट्रॉनिक्स का, ये सब के रिगार्डिंग चाहिए होगा, मैं ट्राई करूंगा बता देने का क्या सिलेबस है। इलेक्ट्रॉनिक्स का EC वाला का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर वाला का क्या डिफरेंस है, CSE का कितना पार्ट है, साइबर फिजिकल सिस्टम लेना वर्थ इट है या नहीं है, उसका क्या सिलेबस है, ये सब जो भी चाहिए होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूंगा अप्रॉक्स मैक्स टू मैक्स 3 to 4 डे के अंदर वीडियो बना देने का। देखो तुम्हारा देखोगे ना CSE का ठीक है, AIML का, डेटा साइंस का, बोल सकते हो IT का, ये सब सिलेबस मुझे अच्छे से पता है, इसी का टाइम कम लग रहा है। बाकी और जैसे साइबर फिजिकल सिस्टम हो गया तुम्हारा, EC हो गया तुम्हारा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर हो गया, अप्रॉक्स 3 to 4 डेज लगेगा, बट मैं बेस्ट वीडियो बना के दूंगा, बच्चे से बात करता हूँ, सिलेबस देखता हूँ, किस तरह की कंपनी आई है, पूरा डिटेल बात करने के बाद ही वीडियो बनाता हूँ, इसी का मे भी थोड़ा टाइम लग सकता है। चलो बताता हूँ तुम्हारा क्या क्या तुम्हारा यहाँ पे है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दो वीडियो बनाया हूँ CSE का, डेटा साइंस का, उसे देख लोगे उसके बाद ही बेनिफिट होगा तुम्हारा AIML के ऊपर, अदरवाइज बेनिफिट नहीं होने वाला है ठीक है। ये रहा तुम्हारा सिलेबस, फर्स्ट ईयर का सिलेबस तुम्हारा सेम ही रहता है। उसके बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया YouTube चैनल का भी लिंक दे दो, देखो मुझे थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है मेरे पास, मैं ना एक PDF बना के दूंगा जहाँ पे सारा लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कौन सा प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, स्पेशली मणिपाल VIT के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के किसे करना, मैं बता रहा हूँ एकेडमिक ओरिएंटेड है तुम्हारा, प्लेसमेंट ओरिएंटेड मैं नहीं बताऊंगा ठीक है। मैं एकेडमिक ओरिएंटेड किसे किसे तुम फॉलो कर सकते हो PDF बना के मैं शेयर कर दूंगा, कॉलेज स्टार्ट होने से पहले तुम्हारे पास आ जाएगा, मैं भी बोल सकते हो अगस्त के फर्स्ट वीक तक मैं डाल दूंगा, क्योंकि टाइम लगेगा उसमें, मेरे पास टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है। फर्स्ट ईयर का सिलेबस सेम ही होता है, मैं सारा वीडियो बताया हूँ ठीक है। ये फर्स्ट दो साइकिल होता है तुम्हारा, केमिस्ट्री साइकिल, फिजिक्स साइकिल ऑलरेडी बता दिया हूँ, डिस्कस करने को सेंस नहीं बनता है ठीक है। ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट सेमेस्टर तुम्हारा ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री साइकिल का, सिमिलरली तुम्हारा हो गया फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स साइकिल का ठीक है। सिलेबस सेम ही है तुम्हारा, मैं सारे रिसोर्सेज दे दूंगा, मैं गारंटी देता हूँ, बुक सब भी बता दूंगा, बुक लेने की कोई नीड नहीं है ठीक है, मैं PDF सब मेरे पास है वो दे दूंगा, अदरवाइज तुम कॉलेज का लाइब्रेरी को यूज कर सकते हो ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फिजिक्स साइकिल का सेकंड सेमेस्टर, यहाँ तक सिलेबस सेम होता है सारा ब्रांच का, चाहे तुम्हारा इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, बायोटेक्नोलॉजी हो ठीक है, CSE हो, कुछ भी हो, सबका सिलेबस सेम रहता है तुम्हारा। और है ना फर्स्ट ईयर तक की ब्रांच अपग्रेडेशन होता है, तुम्हारे पास दो चांस है, एक फर्स्ट सेमेस्टर एक है सेकंड सेमेस्टर। मैं बोलूंगा अभी मेहनत कर लो, जिस बच्चे का किसी कारण से मणिपाल में अच्छा रैंक नहीं आया मेहनत कर लो, मैं बता रहा हूँ ना 5% बच्चे का तुम्हारा ब्रांच चेंज होता है टॉप 5% का, तो मेहनत करोगे टॉप 5% में आओगे तो ब्रांच चेंज होने का चांस होता है। बहुत सारे बच्चे का फर्स्ट ईयर में बैक आने वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आने वाला है, वो सभी तुम आगे जाओ ट्राई करो, जितने मेहनत अभी कर सकते हो तुम्हारे पास टाइम है करो, और फर्स्ट ईयर तक ट्राई करो ब्रांच चेंज कर लेने का। उसके बाद तुम देखो क्या डिफरेंस, थर्ड सेमेस्टर से डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे तो क्या डिफरेंस है, लीनियर अलजेब्रा एंड लॉजिक, देख लो मैथ्स वाला पार्ट तुम्हारा आ रहा है जो तुम्हारा डेटा साइंस में भी था, इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा एनालिटिक्स, देखो तुम्हारा डेटा साइंस का यहाँ पे पार्ट तुम्हारा आ गया, बुक भी फॉलो करना है इसमें, यूट्यूब चैनल भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर, ये तुम्हारा कोर CSE का आ गया, ये कोर CSE का पार्ट है ठीक है, तीनों करना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो प्लेसमेंट अच्छा होगा ही नहीं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये तुम्हारा सब में था, तुम्हारा डेटा साइंस में भी था तुम्हारा और CSE में भी था, बट इसका सिलेबस जो है ना सिमिलर है तुम्हारा CSE से, यहाँ पे कुछ भी तुम्हारा स्किप नहीं किया गया, डेटा साइंस में कुछ स्किप नहीं किया गया तुम्हारा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कुछ स्किप नहीं किया गया। उसके बाद तुम्हारा इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा एनालिटिक्स, देखो ये तुम्हारा बोल रहा लैब था, लैब यहाँ पे था, मिस्टेक से सिर्फ यहाँ पे लैब लिखा हुआ होगा ठीक है, इसका लैब था तुम्हारा ये ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या ऑटोमेटा थ्योरी,
उसके क्या, इसका देखो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बुक लेने की, जो भी करना यूट्यूब चैनल से करना है, कुछ प्रैक्टिस करना, लैब वाले जितने भी है ना लैब में प्रैक्टिस करना सफिशियंट तुम्हारा होगा। फिर क्या क्या, फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, सीएससी वाले में था, यहाँ पे भी है तुम्हारा। उसके बाद डिजिटल सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये तुम्हारा कोर्स सीएससी का, इसका सिलेबस बिल्कुल सेम है तुम्हारा, बट डेटा साइंस का थोड़ा सा डिफरेंस था तुम्हारा। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का तुम्हारा लैब हो गया, डेटा स्ट्रक्चर का तुम्हारा लैब हो गया, ये तुम्हारा लैब था, यहाँ पे लैब इतना मिस्टेक से छूट गया मेरा, बता दिया। रिसोर्सेस मैं शेयर करूंगा, थोड़ा टाइम तो मुझे अच्छे से मैं शेयर करूंगा। जो बच्चे भी ज्वाइन नहीं किए ना व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर दो, मैं बता रहा हूँ बहुत बेनिफिट होगा तुम्हारा। अगर तुम एकेडमिक अच्छा करना चाहते हो ना, बहुत बेनिफिट तुम्हारा होगा यहाँ पे। जिस बच्चे को कोई डाउट आएगा मुझसे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो, अभी नहीं फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हें आपको प्रॉब्लम आएगा मेरे से पूछना इंस्टाग्राम पे आके, मैं ट्राई करूंगा रिसोर्सेज जो भी मेरे पास होगा मैं ट्राई करूंगा शेयर कर देने का। जो बच्चे मेरे गाइडेंस में होंगे मैं शेयर करूंगा ही करूंगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर का अगर मैं सिलेबस दिखाऊं ना, यहाँ प्रोबेबिलिटी है तुम्हारा एंड ऑप्टिमाइजेशन, याद रखना इसका सिलेबस और डेटा साइंस ब्रांच का सिलेबस बिल्कुल सेम था तुम्हारा, प्रोबेबिलिटी का ऑप्टिमाइजेशन का, ये तुम्हारा यहाँ पे कम था बट डेटा साइंस में थोड़ा ज्यादा था। उसके बाद डेटाबेस सिस्टम सिमिलर था तुम्हारा सीएससी के लिए भी, डेटा साइंस के लिए भी, और तुम्हारा एआई वाला ब्रांच के लिए भी सिलेबस तुम्हारा सेम था। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे थोड़ा वास्ट था एज कम्पेयर टू बोल सकते हो मेन सीएससी और डेटा साइंस तुम्हारा। उसके ऑपरेटिंग सिस्टम सेम था, ऑपरेटिंग सिस्टम शायद तुम्हारा डेटा साइंस में नहीं था बट तुम्हारा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कोर सीएससी में था। डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम सेम सिलेबस है सीएससी के जैसा, सेम टू सेम रिसोर्सेस सब बता दूंगा, इसे तुम इग्नोर करो, ये सब मैं शेयर करूंगा, थोड़ा टाइम दो मुझे, मैं कंफर्म बताता हूं अपने व्हाट्सएप चैनल पे या फिर मैं लिंक दे दूंगा, जब तक तुम वीडियो देखोगे ना अगर कुछ टाइम के बाद तुम्हारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद डेटाबेस सिस्टम, ठीक है, डेटाबेस सिस्टम का लैब तुम्हारा होगा जो ये तुम्हारा यहाँ पे है, डेटाबेस सिस्टम का लैब तुम्हारा यहाँ हो जाएगा। उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लैब होगा तुम्हारा, एल्गोरिथम का तुम्हारा लैब होगा, और तुम देख लोगे ना कोर्स सीएससी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लैब है तुम्हारा पर उतना वास्ट नहीं है, कुछ कुछ टॉपिक को ही दिया गया है बट एआईएमएल में तुम्हारा वास्ट टॉपिक को दिया गया है। फोर्थ सेमेस्टर समझ में आ गया होगा, आगे चलता हूं तुम्हारा मैं। अब फिफ्थ सेमेस्टर तुम देखो, फिफ्थ सेमेस्टर तुम्हारा क्या है, मैनेजमेंट सब में रहता है तुम्हारा, सारा ब्रांच में तुम्हारा होगा। मुझे लगता है आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कोई है तो मैनेजमेंट का स्किल है, ठीक है। और तुम देख लोगे हाई पिंग जॉब भी कहीं पे है ना तो मैनेजमेंट वाले स्किल में ही है, एमबीए सब में ही है, तुम जैसे देख रहे होगे तो मैनेजमेंट तुम्हारा सब में है। उसके बाद मशीन लर्निंग, देखो यहाँ पे मशीन लर्निंग का पार्ट आ गया, जो तुम्हारा वहाँ पे कोर्स सीएससी में डीप नहीं था बट यहाँ पे बोल सकते हो डीप है तुम्हारा। कोर्स सीएससी मशीन लर्निंग का कुछ सिंपल पार्ट ही था जो बोल सकते हो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है बट यहाँ पे तुम्हें डीप पढ़ना पड़ेगा। फाउंडेशन एंड कंप्यूटर विजन, जो कि मेरा प्रोग्राम इलेक्टिव था तुम्हारा कंप्यूटर विजन। उसके बाद ये भी बताऊंगा ना कौन कौन सा तुम्हारे पास प्रोग्राम इलेक्टिव है इसकी रिगार्डिंग बता दूंगा मैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क, ये भी मेरा था प्रोग्राम इलेक्टिव में, ये दोनों तुम्हारा इजी है, मैं बोलूंगा तुम लोगे ना मैं अपना नोट्स दे दूंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा और तुम्हारा बहुत इजी रहता है। यूट्यूब पे इतना ट्यूटोरियल भी नहीं है और तुम्हारा ये बेस्ट भी है, इतना कर लोगे सफिशियंट होगा, शायद 10-12 पेज का ही नोट्स है वो सफिशियंट है तुम्हारा। फिर बता दो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ, उसके बाद तुम देख लोगे बिग डेटा एनालिटिक्स तुम्हारा देख लोगे, ये तुम्हारा कोर्स सीएससी में था बट डेटा साइंस में था। कंप्यूटर विजन का लैब होगा तुम्हारा जो कि तुम्हारा बोल सकते हो ना सीएससी में था तुम्हारा ना डेटा साइंस में था बट यहाँ पे है। मशीन लर्निंग का लैब होगा इसका भी। उसके बाद ओपन इलेक्टिव में भी बुक खोल के एग्जाम होता है, अदरवाइज ऑनलाइन एग्जाम हो जाता है, इसका पैनिक लेने की कोई नीड नहीं है। उसके बाद जहां जहां पे ये आंख बना हुआ है ना इसका मतलब यहाँ आंख खोल के पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, इसे लैब में अच्छे से यूज करना है, ठीक है। बाकी सब चीज तो इंटरनेट पे मिल जाएगा, लैब में जो प्रैक्टिस करोगे ना वही तुम्हें इंडस्ट्री में अप्लाई करना होगा। मैं बोलूंगा जहां जहां भी आंख लगा हुआ है वहां पे अच्छे से उसे करना है, ठीक है। उसके बाद बताता हूं तुम्हारा सिक्स सेमेस्टर तुम देख लोगे ना, देखो यहां सिक्स सेमेस्टर तुम्हारा क्या है, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, ठीक है, जो तुम्हारा डेटा साइंस में था यहां भी तुम्हारा है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, आर्किटेक्चर एंड प्रोग्रामिंग, देखो तुम देख लोगे ना यहाँ पे आर्किटेक्चर के साथ साथ प्रोग्रामिंग भी डाल दिया है। तुम कोर सीएससी में देखोगे, कोर आईटी में देखोगे, वहाँ पे सिर्फ आर्किटेक्चर या आर्किटेक्चर ब्रांच ही सबसे टफ होता है तुम्हारा, इसका तुम्हें प्रोग्रामिंग भी करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैब किसका है तुम्हारा, आर्किटेक्चर का है, ठीक है। उसके डीप लर्निंग भी तुम्हारा यहाँ पे आ गया, मशीन लर्निंग भी आ गया, डीप लर्निंग भी आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया, ठीक है। डीप लर्निंग का लैब भी करना पड़ेगा और साथ ही साथ देखोगे ना डेटा साइंस वाले में वेब का लैब नहीं था बट यहाँ पे तुम्हारा एआईएमएल में तुम्हारा बोल सकते कोर सीएससी का वेब का भी तुम्हारा लैब दिया, मतलब वेब टेक्नोलॉजी तुम यहाँ पे सीखोगे। उसके प्रोग्राम इलेक्टिव का ऑप्शन रहेगा, तुम जिसे लेना होगा तुम ले सकते हो। उसके बाद ओपन इलेक्टिव टू के ऊपर से देख लो कि मेरा फर्स्ट ओपन इलेक्टिव था इकोनॉमिक्स, सेकंड में लिया फोटोग्राफी एंड डिजाइनिंग, दो मेरा ओपन इलेक्टिव था, दोनों को दोनों एग्जाम ऑनलाइन मोड में हुआ था, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जाओगे सेवन सेमेस्टर में तुम्हारा कंप्लीट प्रोग्राम इलेक्टिव रहेगा, 3-4 प्रोग्राम इलेक्टिव रहेगा जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट होगा तुम उसे ही लेना। उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तुम्हें कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा या फिर जाकर तुम्हें ट्रेनिंग करना पड़ेगा समर वेकेशन में तुम्हारा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, तुम्हारा प्रोग्राम इलेक्टिव रहता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना होगा सेवन सेमेस्टर। उसके बाद लास्ट सेमेस्टर, ठीक है, जो 8th सेमेस्टर होता है, यहाँ पे तुम्हारा एक मेजर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। अगर इंटर्नशिप लग गया तुम्हारा किसी कंपनी में तो वेन एंड गुड, अगर इंटर्नशिप नहीं लगता है तुम्हें एक मेजर प्रोजेक्ट करना होगा कॉलेज के अंदर, यहाँ पे तुम्हारा 8th सेमेस्टर मतलब तुम्हारा कॉलेज खत्म हो जाएगा। उसके बाद बात करूँ मैं कौन कौन से माइनर स्पेशलाइजेशन एंड प्रोग्राम इलेक्टिव है, तुम देख सकते हो क्योंकि तुम्हारा माइनर स्पेशलाइजेशन, मैं खुद का बात करूं तो मेरा कंप्यूटर विजन था, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग था, बाकी और भी ऑप्शन है तुम्हें जो लेना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग है तुम्हारे पास, साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है, बाकी भी ऑप्शन है तुम्हारा यहाँ पे देख सकते हो। ओपन इलेक्टिव में देखो ये सब ऑप्शन है, कुछ एडिशनल ऑप्शन भी मिलेंगे जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया वो भी तुम्हारा वहाँ पे रहेंगे। शायद यहाँ पे आ गया होगा आइडिया कौन कौन सा माइनर स्पेशलाइजेशन कौन सा प्रोग्राम इलेक्टिव है, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। चलो बताता हूँ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के रिगार्डिंग।
देखो अगर बात करूँ मैं एडवांटेज के ऊपर ना, सबसे ज़्यादा लॉट्स ऑफ जॉब, देखो फ्यूचर में सबसे ज़्यादा जॉब इसका हो सकता है, ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। कवर डेटा साइंस एंड सीएससी, अगर किसी बच्चे को ना डेटा साइंस लेना था, कोर सीएससी भी करना था, तो वो इस ब्रांच को ले सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया डेटा साइंस का भी, कोर सीएससी का भी, बेस्ट ऑफ टू, तुम्हारा डेटा साइंस का भी और सीएससी का भी बेस्ट में डाला गया, जो भी उसका बेस्ट पार्ट था एआईएमएल ब्रांच में उसे डाला गया है। उसके बाद फास्ट ग्रोइंग, इसके रिगार्डिंग कुछ बोलूंगा ही नहीं, पता ही है किस तरह से एआई तुम्हारा अभी ग्रो कर रहा है। उसे कोडिंग स्किल देख लोगे ना, और तुम कोडर बनना चाहते हो, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, तुम्हें मशीन लर्निंग का भी सीख सकते हो, डीप लर्निंग का भी सीख सकते हो, नॉर्मल तुम्हारा सीएससी का जितने होते डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, सारा का सारा इसके अंदर तुम्हारा आ जाएगा। उसके बाद मैनेजेबल सिलेबस बोल सकते हो, 70% सिलेबस जो होता है तुम्हारा सीएससी का रहता है तुम्हारा, 20% एआईएमएल, ठीक है, 10% सिलेबस डेटा साइंस, तो सारा सिलेबस में इंक्लूड है तुम्हारा। एआईएमएल ब्रांच तुम अगर ले लोगे तो सारा सिलेबस में इंक्लूड है। उसके बाद तुम्हारा क्या हाई सैलरी, ठीक है, यहाँ पे अच्छा से मेहनत करते हो तो अच्छा तुम्हारा सैलरी का चांस बनता है। उसके बाद 7 पॉइंट, कमेंट योर रिसर्च। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुम लोग बताना, अगर तुम लोग एआईएमएल ब्रांच ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, इसके पीछे का रीजन क्या है, दोस्त बोल ले रहा है इसी कारण तुम ले रहे हो, अदरवाइज कोई रीजन है तुम्हारे लेने के पीछे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एटलीस्ट बताना, मैं देखूंगा तुम लोग क्यों लेना चाह रहे हो एआईएमएल ब्रांच को, तुम्हारा क्या थॉट है, फिर मैं देखूंगा तुम सोच रहे हो, सही सोच रहे हो फिर नहीं सोच रहे हो, ये तुम्हारा एडवांटेज हो गया। उसके बाद डिसएडवांटेज, देखो ये सब पॉइंट कंसीडर मत करना, ठीक है, जस्ट मुझे लग रहा था तो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ये सब पॉइंट के कारण तुम ब्रांच को मत छोड़ना, जो एडवांटेज बताया ये सही है तुम्हारा, ये ठीक है, 7 का 7 तुम्हारा सही है। उसके ये डिसएडवांटेज मुझे लग रहा है ऐसा, जैसे जॉब इनसिक्योरिटी है तुम्हारा, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना फ्यूचर में एआई को रिप्लेस कर सकता है, जैसे तुम रॉबोट मूवी देखे होगे ना, वहाँ पे एक एआई बना हुआ था, वो एआई क्या था, दूसरे एआई को बना रहा था, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे हो सकता है। लाइक तुम एक सब्जेक्ट पढ़ोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, किसी तुम सॉफ्टवेयर को बनाए हो, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर तुम जब क्लाइंट को देखो ना, यहाँ पे मेंटेनेंस चार्ज होता है, ठीक है, जो तुम्हारा मेंटेनेंस चार्ज लेता है, मुझे लगता है कुछ टाइम के बाद है ना इसे भी तुम्हारा एआई ही रिप्लेस कर देगा, मेंटेनेंस की कोई नीड नहीं है। मैं जो नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, एक मानो तुम्हारे घर में एक आरओ है, ठीक है, न्यू आरओ लाए हो, उसका सर्विसिंग तुम्हारा 3 साल का रहता है, 3 साल तक तुम कराओगे सब कुछ फ्री में करके देगा, 3 साल के बाद उसका सर्विसिंग चार्ज होता है। सिमिलरली तुम सॉफ्टवेयर जब बना के दोगे ना, सॉफ्टवेयर का एक मेंटेनेंस चार्ज होता है, मुझे लगता है कुछ टाइम के बाद इसे एआई तुम्हारा मेंटेन कर लेगा। साथ ही साथ बोल सकते हो एक एआई खुद दूसरे एआई को बना सकता है, बट इस पॉइंट के कारण से तुम इस ब्रांच को मत छोड़ना, ये मेरा अजम्पशन है, ठीक है। उसे कॉम्प्लेक्स सिलेबस देख लोगे ना, बच्चा से एक कोर सीएससी नहीं होता है, यहाँ पे तुम्हें एमएल पढ़ना पड़ेगा, डीप लर्निंग पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस तुम्हारा भास्ट है, ठीक है, मुझे लगता है कॉम्प्लेक्स सिलेबस है, जिस बच्चे का थोड़ा इंटरेस्ट ये समय कम है, मैं बोलूंगा इस ब्रांच को अवॉइड करना। इसमें बता रहा हूँ ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इस कारण से मत छोड़ देना कि ये सब डिसएडवांटेज बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं बच्चे से बात कर रहा हूँ, सिलेबस देख रहा हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ तुम्हारा, ठीक है। डेटा साइंस भी तुम्हारा आता है, कोर सीएससी भी आ रहा है, डीप लर्निंग भी आ रहा है, मशीन लर्निंग भी आ रहा है, सारा का सारा ब्रांच आ रहा है, तो मैं भी बोल सकते हो सिलेबस तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है। उसके थर्ड पॉइंट तुम्हारा क्या है, अनसर्टेन ग्रोथ। सबको बोल रहा है एआई खूब बढ़ेगा, जिस भी यूट्यूब चैनल को तुम चेक कर लो, सबको बोल रहा है एआई खूब बढ़ेगा, बट ये प्रिडिक्शन किया जा रहा है, मुझे लगता है 90% चांस है कि एआई ग्रो करेगा ही, बट 10% ये भी चांस है कि एआई ग्रो ना भी करे, ठीक है, एआई ही एआई को रिप्लेस करने लगे, ये भी तुम्हारा हो सकता है, ठीक है। इसी कारण से मुझे लगता है ये तुम्हारा फ्यूचर पूरा फास्ट हो तुम्हारा है, बट फ्यूचर अनसर्टेन है तुम्हारा। उसके चैलेंजिंग, कोडिंग चैलेंजिंग तुम्हारा यहाँ पे आएगा, देखो वहाँ पे सिर्फ तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम करना होगा, बट यहाँ पे एआई का भी करना पड़ेगा, डीप लर्निंग का भी, मशीन लर्निंग का भी, कोडिंग तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट तुम्हारा हो जाएगा, इस बात को तुम याद रखना। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट तुम्हारा लिमिटेड रिसोर्सेज, तुम देख लोगे इंडियन यूट्यूबर बहुत कम ही है जो कंप्लीट सिलेबस एआई में कवर किया है, इसका सिलेबस तुम्हें नहीं मिलेगा अच्छे से, तुम पढ़ोगे तो तुम्हें बुक को रीडिंग करना होगा, लाइक कोर्स सीएससी ले लोगे, आईटी ले लोगे, इसका रिसोर्सेस यूट्यूब पे पूरा पड़ा हुआ, एक बार बुक नहीं भी खोलोगे ना, सिर्फ यूट्यूब देख के तुम इंजीनियरिंग लाइफ का निकाल लोगे, बट एआईएमएल में तुम्हें पढ़ना होगा, बुक भी पढ़ना होगा। एक्स्ट्रा टाइम किसी बच्चे को, जैसे मैं ना सेकंड ईयर से मैं फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर दिया था, वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दिया था, फाइनेंस में थोड़ा इंटरेस्ट मिला गया था, और भी अपार्ट फ्रॉम एकेडमी बहुत कुछ मैं कर रहा था, अगर तुम चाहो तुम्हारा एक्स्ट्रा टाइम मिले तो इस ब्रांच को मत लेना, बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला है। उसके बाद मैं लास्ट में रिक्वेस्ट करता हूं, तुम बताना तुम्हारा क्या थॉट है, तुम क्या सोचते हो एआईएमएल का क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, और कोई बच्चे इस ब्रांच को लेते हैं तो कंफर्म उस कमेंट को पढ़ूंगा मैं, और जो मुझे लगेगा मैं टाइम के रिगार्डिंग रिप्लाई भी कर देने का। मैं रिक्वेस्ट करता हूं इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है एआईएमएल का, एटलीस्ट 1 से 2 पॉइंट को बताना, मुझे भी समझ में आएगा, मेरे वीडियो को देख रहे हो, एक तुम्हें पास आइडिया मिल रहा है कि क्या ब्रांच में क्या सिलेबस है, क्या इसका फ्यूचर स्कोप है, ये सब आइडिया मिलेगा, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद बात करूं मैं फ्यूचर स्कोप एंड रोड मैप, तुम देख लोगे ना यहाँ पे रोबोट एंड एआई, चैट जीपीटी फॉर एनएलपी, ठीक है, तुम इसका फेस डिटेक्शन देख लोगे, तुम्हारा डीप लर्निंग तुम देख लोगे, लाइक बहुत बहुत ज्यादा इसका फ्यूचर स्कोप है, बहुत सिलेबस भी है। मैं मानता हूँ ये सब यूट्यूब अवेलेबल नहीं है, मैं ट्राई करूँगा कुछ फॉरेन यूट्यूबर है जो अच्छे से इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाए, वो सबका मैं कलेक्ट करके ये सब सारा का रिसोर्सेज दे दूंगा। ये सब रिसोर्सेज करने के बाद ना सर्टिफिकेट भी मिलेगा, उस सर्टिफिकेट तुम लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा जितने भी ब्रांच है ना सबके रिगार्डिंग रिसोर्सेज बता दूँ कहाँ से तुम पढ़ सकते हो। लाइक तुम बोल सकते हो बहुत बहुत इसका फ्यूचर स्कोप है, तुम हो सकता है फ्यूचर स्कोप, लाइक फेस रिकॉग्निशन तुम्हारा बोल सकते हो, रोबोटिक एंड एआई है ना इसी का तुम्हारा एक्सटेंशन है, AIML का तुम्हारा एक्सटेंशन है रोबोटिक एंड AI, तुम इस बात को याद रखना। उसके बाद बहुत सारा है, डीप फेक तुम्हारा जो इमेज बनता है, तुम्हारा डीप फेक इमेज जो बन रहा है सारा AIML में ही तुम्हारा आता है, मतलब बोल सकते हो बहुत अच्छा इसको फ्यूचर स्कोप है, जिसको तुम्हारा बोल सकते हो IT इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है उस ब्रांच को ले सकता है, बहुत मजा तुम्हारा आएगा। मैं सारा कोर्सेस के रिगार्डिंग बता दूंगा, मुझे तो टाइम दो, जितने भी कोर्सेस हैं सारे सारे कोर्सेस फ्री हैं, विद सर्टिफिकेट भी तुम्हारा मिलेगा। उसके बाद बात करूं मैं कंपनी के रिगार्डिंग, जो AIML स्पेशली AIML के लिए आई है, ऐसा कोई मुझे डेटा नहीं मिला, जो भी कंपनी कोर्स CSE के लिए था वो AIML वाले के लिए था तुम्हारा, ठीक है, लाइक IT के लिए कंपनी आई
आई है उसमें भी AIML वाले बैठ रहे हैं। उसके बाद मुझे ऐसा कोई डेटा नहीं मिला जो स्पेशली AIML के लिए ही आई है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ किसी भी कैंपस से हो, मणिपाल से हो, BIT से हो, SRM से हो, कलिंगा से हो, किसी कैंपस से भी हो, अगर तुम्हारे कैंपस में स्पेशली AIML के लिए ही कोई कंपनी आई है जो कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे भी एक आइडिया मिलेगा। मैं बहुत सारे बच्चे से बात किया हूँ, ऐसा कुछ नहीं मिला। जो कंपनी कोर्स CSE के लिए आई है सेम तुम्हारा AIML के लिए था, IT के लिए आई है AIML के लिए था। कुछ कुछ कंपनी में AIML नहीं एलिजिबल थे, लाइक सेवर में AIML वाले एलिजिबल नहीं थे, ठीक है। बाकी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं मिला। ये तुम्हारा एलिजिबिलिटी है 70% तुम्हारा 10th में, 70% 12th में, 7 CGPA कॉलेज में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कॉलेज CGPA को अपना मेंटेन करना। बाकी ये सब कंपनी आई थी सारे के सारे में AIML वाले एलिजिबल थे। स्केलर में, ट्रेडेंस में, तुम्हारा जूनिपर में, तुम्हारा बहुत अच्छी अच्छी कंपनी आए थे, उसमें तुम्हारा AIML वाले पूरा एलिजिबल थे। AIML स्पेसिफिक कंपनी मुझे नहीं मिली है। उसके बाद करो बेटर प्लेसमेंट। किसी बच्चे को मणिपाल, BIT, SRM, कलिंगा सिर्फ तुम प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ सबसे पहला तुम्हें कॉलेज GPA पे वर्क करना है। मैं बता रहा हूँ ना, जब तुम्हारा रिज्यूमे सेलेक्ट होगा ना, सबसे पहले कॉलेज का GPA देखा जाता है, ठीक है। दो बच्चे हैं ना, एक और दो, जिसका कॉलेज का CGPA अच्छा है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसे ही मिलेगा। कोडिंग स्किल सब बाद में देखा जाता है, फर्स्ट तुम्हारा होता है एकेडमिक किसका अच्छा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने CGPA पे वर्क करना। क्लास 10th में जिसका 80% है वो सब में लगभग एलिजिबल रहेंगे ही, जैसा क्लास 12th में 80% है वो सब में एलिजिबल रहेंगे। इसका यहाँ पे 70 है तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे 70 है, ट्राई करना यहाँ पे कम से कम 9 से ऊपर रखने का, ठीक है, तभी एक एडवांटेज ले पाओगे। कॉलेज GPA मिनिमम 8 भी रखोगे सही है, जिसका 80 है, जिसका यहाँ पे 65 या फिर 70 है, वो ट्राई करना 9+ तुम्हारा रखने का यहाँ पे। उसके रीजनिंग एप्टीट्यूड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा फर्स्ट ईयर से ही रीजनिंग प्लस एप्टीट्यूड को 10 मिनट 15 मिनट देकर के ना गीक फॉर गीक वेबसाइट से तुम जाके सॉल्व कर सकते हो, उसकी रिगार्डिंग बता भी दिया हूँ। उसे कोडिंग स्किल यहाँ पे कोर्स सब्जेक्ट में चाहिए, चाहिए कोई रिगार्डिंग ही नहीं है, कोडिंग स्किल तुम्हारे पास होगा तभी तुम अच्छा प्लेसमेंट ले पाओगे। उसे कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, और तुम प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो तो साथ ही साथ तुम्हारा लक, शायद यहाँ पे एक आइडिया मिल गया होगा AIML ब्रांच के रिगार्डिंग। इसके बाद और कोई ब्रांच को कवर करना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूंगा विदिन 2 or 3 डेज के अंदर कवर कर देने का। बस मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, लगता हूँ मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, इससे तुम्हारा 1% भी हेल्प हुआ हो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, एक अच्छे से कमेंट करके मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कर सकते हो। होप दिस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना अगला वीडियो किस टॉपिक बनाना है। थैंक यू।